हेलो नमस्कार। हाथ पहले कल से उठ रहा है, हाथ काट देता हूँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू बैहर प्रकृति के संग में। और दोस्तों आज हमारी टीम इकट्ठा हुई है, अभी एक वायरल न्यूज चल रही है नागमणि, तो दोस्तों इसी विषय में हम लोग एक कंटेंट लेके आए हैं। और चूंकि हमसे हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने डिमांड रखी थी कि भैया क्या ऐसा सच में होता है या ऐसा सच में है जिस घटना की जो न्यूज़ वायरल हुआ है उस संबंध में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पौराणिक कथाओं से। तो आप जानते होंगे वराह मिहिर को, तो इन्होंने बृहत संहिता लिखी थी, उनके द्वारा रचित ये संहिता है और उसमें नागमणि का जिक्र किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि नागमणि कोई काल्पनिक चीज नहीं है, ये धरती पर विद्यमान है। तो दोस्तों अब यदि विद्यमान है तो ये बात आती है कि अभी तक की किसी ने उसको देखा कैसे नहीं। तो ऐसा ही एक न्यूज अभी आया है, जो 29 मार्च की घटना थी, 10:30 बजे करीबन ऐसा हुआ था कि एक नाग निकला था किसी के घर में, उसे रेस्क्यू के लिए रेस्क्यू टीम में रेस्क्यूअर्स को बुलाया गया था। और वो रेस्क्यूअर्स ने रेस्क्यू करने के दौरान उसको जब रिलीज करने गए तो उस सांप ने अपने मुंह से कुछ चीज निकाला जो चमकदार पदार्थ था या चमकदार वस्तु थी, जिसे मड़ी का रूप दिया गया है। और एक न्यूज में आप एक फोटोज भी शेयर करूंगा जिसमें आपको दिखेगा कि उस नाग के ऊपर नागमणी रखी गई है और जो नागमणी थी आजू बाजू रखी थी। तो दोस्तों अब सवाल आता है कि नागमणी यदि सांप, उसमें स्टेटमेंट भी आया है कि सांप ने वो उस मड़ी को बाहर निकाला और उसके इर्द गिर्द घूमता रहा। तो दोस्तों मैंने उस जो वीडियो वो जो फोटोज देखी है, जो फोटोज आई है हमारे पास, तो उसमें एक चीज आई है कि जो मड़ी है यदि सांप ने निकाला है तो मड़ी यथावत स्थिर रहनी चाहिए, मड़ी के पैर होते नहीं कि चले, और ऐसा हमने देखे भी नहीं है। और हमने जहां तक सुने हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार कि सांप उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। तो दोस्तों मड़ी जब एक जगह स्थिर है तो उसके बाद वो मड़ी उठ के थोड़ा सा उसके दूर इस साइड या उस साइड कैसे पॉसिबल है, ये एक कंट्रोवर्सियल सब्जेक्ट हम लोग ने चूज किया है और हम जानना भी चाह रहे हैं आप लोगों से भी, और हमारे भी जो थॉट्स हैं हम शेयर करना चाहते हैं। हमारा मकसद किसी को गलत साबित करना या सही साबित करना नहीं है। तो नागमणि एक्चुअली में नागमणि है क्या? नागमणि एक क्रिस्टल फॉर्म है जो सांप, जो हम लोग जहां तक के जानते हैं, जो सांप का जो परिष्कृत है लार, वो क्रिस्टल के रूप में जब बाहर निकालता है उसको, या एक जम जाता है वो और क्रिस्टल के रूप में ठोस हो जाता है तो निकलता है, और जब उस पर कोई चीज फोकस पड़ती है तो वो प्रकाश देती है। ये नागमणि, इसको थोड़ा सा लोगों ने बढ़ा चढ़ा करके ऐसा बता दिया है कि ये जादू टोना से संबंधित है, इसमें जादुई शक्तियां होती हैं, यदि नागमणि मिल जाए तो वो व्यक्ति बहुत अमीर हो जाता है। तो दोस्तों ये सभी बातें मैं एक पौराणिक कथाओं के अनुसार कर रहा हूँ। आप पिक्चरें भी देखी होंगी, नगीना नागमणि जो बहुत सी पिक्चरें हैं जिसमें नागमणि दिखाई गई, नागमणि का जिक्र किया गया है। तो यदि इंसान के अंदर वैसे थॉट्स हैं भी है, और आप लोगों से भी चाहता हूं मैं कि आप मुझे इसका सटीक आंसर दें, क्योंकि हमारे पास इस चीज को सिद्ध करने के लिए ना ही कोई शब्द है और ना ही कोई हमारे पास कोई सबूत है। तो नागमणि जो चीज है एक चमकदार चीज होनी चाहिए, मड़ी हमेशा प्रकाशमान होती है। तो उस वीडियो में दिखाया गया है, वो जो न्यूज आई है, फोटो ली गई है, सांप को जब रेस्क्यू करके रिलीज करने गया था तो जो लाइट होता है मोटरसाइकिल का उसको फोकस किया गया है, और फोकस करने के उपरांत वो चीजें नजर आई है। तो इसमें फोटो में आपको पीछे लाल बैकग्राउंड दिखेगा जो लाइट का फोकस है बाइक का, और जो सामने में एक चीज चमक रही। तो देखिए आप इस फोटो में, सभी फोटो में नागमणि कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है दोस्तों? तो चलिए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं संजीव जी से जानना चाहूंगा, क्या क्या ऐसा संभव है? इस चर्चा का उद्देश्य मेन ये है कि हम वास्तविकता से हम रूबरू हो पाए, ना कि नागमणि के चलते किसी की धार्मिक भावनाओं या किसी के धार्मिक संप्रदाय को या किसी की आस्थाओं को हम ठेस पहुंचाएं, ये हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। इसका सबसे बड़ा जो योगदान रहा है इस चीज को फैलाने में, वो हमारे सिनेमा जगत का रहा है, क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी पिक्चर देखी हुई है जिसमें सांपों का जिक्र हुआ है, नागमणि का जिक्र हुआ है, सांप नागिन के बदले का जिक्र हुआ है। दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो होती हैं लेकिन हमें दिखती नहीं है, और बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमें दिखती तो हैं लेकिन वो सच नहीं होती। दोस्तों मणि उनमें से एक ऐसा ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। अभी हम जानते हैं कि पुराने ग्रंथों की जो ये बात चली है कि मणि क्या है, जैसे कि ललित सर ने बताया भी मणि क्या है, मणि पुराने, दोस्तों अब मैं फिर बता रहा हूँ कि ये जो बात मैं कहने जा रहा हूँ ये पौराणिक कथाओं के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल में। तो नागमणि सांप के विष का क्रिस्टल रूप है जिसको हम आज नागमणि कहते हैं, जो कि चमकदार होती है। सो नाग की यूज कैसे आती है, ये कि नाग इसे अपने शरीर से बाहर निकालता है तो वो प्रकाशमान हो जाती है। जो नेचुरली हम जो चीज देखते हैं
कि यदि किसी अंधेरी जगह में यदि कोई भी प्रकाशमान चीज आती है तो बहुत सारे जीव, छोटे जीव, कीट पतंगे उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो शायद ये पॉसिबल हो सकता है कि सांप उससे अपना आहार ढूंढता हो या उसे उस कारण से अपना आहार मिलता हो। दोस्तों ये तो हुई एक बात। साथ ही साथ जो आज के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनकी एज आज 85 टू 90 इयर्स हो चुकी है, हमने जब उनसे बात की कि क्या नागवाणी आप लोगों ने देखा है, एक ही नहीं बहुत सारे लोगों से जब हमने बात की कि आपने नागवाणी देखा है, तो उन्होंने भी हमें सिर्फ यही बात बताई कि हमने अपने दादा और पूर्वजों से और पुरखों से सुना है, अपने दादा परदादाओं से ये बात सुनी, हमने देखा हमने भी नहीं है और उन्होंने भी नहीं देखा था, उन्होंने भी सिर्फ ये बात ही सुनी है। सो दोस्तों देखिए, जब ये इतने बुजुर्ग व्यक्तियों ने जब उस चीज को नहीं देखा, आज से 80 साल 90 साल पहले तक की जब ये चीज किसी ने अपनी स्वतः आंखों से नहीं देख पाए, तो हमें कैसे कह सकते हैं कि जो चीज लोग बता रहे हैं या जो ये फोटो वायरल हुई है ये नागमणि ही है। और हमें तो सिर्फ 5 ही साल हुए हैं दोस्तों, अपने भारत में ऐसे भी रेस्क्यूअर हैं जो आज करीब 40 से 45 साल हो चुका है इस सांपों के बचाव कार्य को कर रहे हैं, उन्हें भी आज तक के ऐसी कोई चीज का पता नहीं लगा, उन्हें ऐसी कोई आज तक अनुभूति नहीं हुई कि इस सांप में कोई मणि है या सांप कुछ अलग ही है। सो दोस्तों ये जो खबर है ये गोंदिया के रतनारा गांव की ये खबर है, जहां पे रेस्क्यूअर द्वारा रात के समय रेस्क्यू करके और उसे रात को ही रिलीज कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे चीज जब एक ये आती है कि क्या उस व्यक्ति जो रेस्क्यूअर जो थे, क्या उन्हें लगा कि ये सचमुच में नागमणि है, और यदि ये सचमुच में नागमणि है तो उन्होंने उसे हासिल करने की इच्छा क्यों नहीं रखी, या फिर उसे वो क्यों हासिल नहीं कर पाए, या तो वो बहुत ज्यादा डर चुके थे क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ मंजर देखा था। एक चीज फिर यहां पे ये भी सामने आती है कि हो सकता है कि ये उनके मन का वहम हो, परंतु फोटो के जरिए एक हमें चमकती सी चीज दिखाई दे रही है, तो इसे नकारा भी नहीं जा सकता और सच भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो न्यूज़पेपर में जो जिन दो व्यक्तियों का नाम आया था उनमें से एक जो श्री योगी धामड़े जी जो थे, उनसे हमारी कॉल पे बात हुई, और उनकी क्या कॉल पे बात हुई दोस्तों आप इस ऑडियो क्लिप के जरिए सुन सकते हैं। तो आप पहले ऑडियो क्लिप सुनिए फिर उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। वो मुंह में से निकाला अब वो चमकदार एक वस्तु ऐसी निकली कि हमको ऐसा लगा कि भाई इसे नागमणि दिया होगा। नहीं है सर, वो वाला अभी स्टेटमेंट मैंने दिया हूँ पूरा जी, बाद में अपने को जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जब पता चला और जब इधर कुछ अच्छे अच्छे लोगों से जब पता चला कि नहीं ये चीज नहीं होता जी, हमारे को तो उस वक्त में ऐसा होता होगा करके ऐसा लगा अपने भाई मनी छोंगा ऐसा लग रहा था, लेकिन मनी ऐसा नहीं होता, बहुत बड़ी बात होती है। मनी मनी नहीं है और मनी दुनिया में नहीं है बोलते, सही है सही है, ये बात गलत है। बोले मनी सांप के पास में होता ही नहीं, इसके चक्कर में क्या होगा, यहाँ पे रतनारे में कई लोग आएंगे, रतनारे में कई लोग आएंगे और बेचारे यहाँ के अच्छे अच्छे जो जिसका में कुछ नहीं वो सांप पकड़ पकड़ के लेके जाके मारेंगे बोलते। बिल्कुल, चलिए आपकी ये सोच मेरे को आपकी बहुत अच्छी लगी सर। मैं चाह रहा था कि एक बार मैं शैलेश बोरकर जी से भी बात करना चाहता था, क्या उनका कोई कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है? उनका नंबर मैं इसी नंबर पे बात कर रहा क्योंकि उसका मोबाइल बंद है अभी। अच्छा मोबाइल बंद है, हाँ मैं उससे बात हो सकती है उनसे? क्या बोले, उनसे कब बात हो सकती है? अभी आएगा थोड़ी देर में वो। तो दोस्तों ये थी वो ऑडियो क्लिप योगी धामड़े जी की जुबानी। सो दोस्तों अब आप हमें ये बात बताइए कि जो व्यक्ति उस समय वहां पे उपस्थित थे ये उनके ही कथन है, तो हम किसी बात का निष्कर्ष निकालें उससे अच्छा हम आप लोगों से जानना चाहेंगे, आप अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग करके आप हमें ये बात बताइए, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहा है वो आप हमें ये बात बताइए कि क्या ये संभव है या सिर्फ ये मन का वहम है या नजरों का धोखा, इसे क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये जो घटना घटित हुई है इसके अच्छे परिणाम तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारी नजर से बहुत सारे दुष्परिणाम होंगे इसके, और वो दुष्परिणाम क्या होंगे वो हमारे अक्षर सर बताएंगे आपको कि इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना अभी कि जो घटना घटी है अभी सतनारा की गोंदिया जिले के, वैसे में क्या है लोग अनभिज्ञता में ये है कि अब सतनारा गांव की तरफ रुख करेंगे लोग, और लोग सांपों को मारेंगे, मणि खोजने की कोशिश करेंगे उसके अंदर, फिर ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जैसे भी आप लोगों को मालूम होगा कि ये सब काले जादू के चक्कर में करते हैं।
मतलब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सेंडबुआ रेड सेंडबुआ स्नेक है, और खोला मांदर है, पेंगोलिन है, कछुआ है। तो ये सब चीजों में क्या है, लोग होता कुछ नहीं लेकिन लोग सजा काट चुके हैं और अभी सजा काट रहे हैं लोग। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा, विभिन्न धाराओं में ये अपराध है। किसी भी तरीके से वन्य प्राणी को नुकसान पहुंचाना या आहत करना, ये अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनको आप लोगों ने देखा होगा कि अभी भी जेलों में है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक हमने लेके आए हुए थे। हालांकि इस संबंध में जितनी बात करेंगे परत दर परत खुलते जाएंगी, लेकिन होना कुछ है नहीं। फिर भी हम सत्यता की ओर आपको लेके जाने की कोशिश की हम लोगों ने कि मणि होती होगी लेकिन उसका वैसा रूप नहीं होता होगा जो इच्छाधारी नाग जैसे गायब हो जाना या मनोकामना पूरी होना या अमीर हो जाना, ये तो कतई नहीं है। मणि की अब बात करते हैं तो 100 साल या 1000 साल का जब कोई सांप हो जाता है तो उसको मणि स्वतः मिल जाती है या ऐसा माना जाता है, जो कि कपोल कल्पित कथाएं हैं। ये इस पर यकीन करना तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हम लोगों ने ये सब चीज़ें बड़े बुजुर्गों के मुँह से सुनी है, और हमारे बड़े बुजुर्गों से हमने पूछने पर भी पाया तो उन्होंने भी बोला कि हमें आज तक किसी मणि को हमने नहीं देखा, बस सुना जरूर है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो में आपने, ये जो फोटोज में आपने देखे कि वो मणि जो प्रकाश निकल रही है, तो जहां तक कि हमारा मानना है कि हो सकता है कि जहां सांप छोड़े हो और वहां कोई ऐसी चीज पड़ी हो, कांच जो रिफ्लेक्ट करता हो या फिर कोई ऐसी झिल्ली पॉलिथीन जो चमकदार हो, और आपने देखे होंगे, या फिर कोई ऐसा रेडियम टाइप का, व्हाइट टाइप का, या कुछ भी ऐसी चीज जिस पर लाइट मारते हैं तो उस पर फोकस आता है और वो थोड़ा सा चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो दोस्तों, आप स्वतः ही जानते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ हो मणि के रूप में या क्रिस्टल फॉर्म में जब चमकती है तो उससे विभिन्न प्रकार के प्रकाश निकलते हैं, और यहाँ पर जो प्रकाश निकला है सिवाय चमकीले के, सफ़ेद के अलावा कोई दूसरा प्रकाश नहीं है। तो इस आधार पे मैं बोल सकता हूँ कि ये कोई मणि नहीं है, उस समय ऐसा उनको दिखा। और एक-एक हमारे साथ जब कोई चीज़ होती है तो हमारा जो माइंड है अनकॉन्शियस हो जाता है और जो चीज़ हम देखते हैं सिर्फ उसी पर ट्रस्ट करते हैं। सत्यता की पुष्टि कर पाना उस समय मुमकिन नहीं है दोस्तों। दोस्तों, नागमणि टॉपिक ही ऐसा है, इस पर जितनी चर्चा हो उतनी कम है, और ये सच है या अंधविश्वास ये हम आप लोगों को छोड़ते हैं कि आप लोग बताइए कि क्या सच है और क्या ये सच हो सकता है, और यदि हो सकता है तो यह कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों, हम जरूर चाहेंगे कि इस वीडियो को जो भी व्यक्ति देख रहा है, चाहे कुछ क्षण के लिए देख रहा है, मन में आने वाला एक सवाल इस पर जरूर कमेंट करें, ताकि उस सवाल का हम यदि चाहें तो, यदि हमारे पास यदि उस सवाल का जवाब है या उससे रिलेटेड कोई चीज है हमारे दिमाग में तो हम आपके साथ साझा कर सकें। आप भी हमारे साथ अपने सवालों को साझा कीजिए, हम भी अपने जवाब आपके साथ साझा जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को फिनिश करते हैं और अंत में ललित सर आपसे कुछ दो शब्द बोलेंगे। मेरे दिमाग में एक चीज आई हुई है और उसका आंसर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, तो आप कमेंट्स के जरिए बताइएगा जरूर। दोस्तों, बात ऐसी है कि जो इंसानी जो दिमाग है वो इतनी ताकत रखता है कि हम जैसे कोई चीज देखना चाह रहे हैं तो वही दिखेगी हमको, इसे ही वहम बोला जाता है। यानी दिमाग में इतनी शक्ति है कि वो आपके सामने वो हर चीज क्रिएट कर सकता है जो आप चाहते हो या ना चाहते हो। यदि माइंड कॉन्शियस है, उस पर बहुत ज्यादा जोर लगा के अपन ने देखा तो अपने को चीज दिखती है। वैसे ही दोस्तों, मनुष्य आपको मैंने बोला कि मनुष्य का दिमाग इतना शक्तिशाली है, तो दोस्तों यदि कोई मणि हो, यदि होती तो कोई ना कोई इंसान उसको जरूर हासिल कर लेता, क्योंकि आप लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे अंदर इतनी खूबी है, इतना ताकतवर दिमाग है कि जब कोई चीज हमको अच्छी लगती है या किसी चीज से हमको फायदा होता है तो हम उसको एन किरण प्रकरण किसी भी कंडीशन में उसको हासिल कर लेते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण आते होंगे कि जो हमने कभी नहीं सोचे थे कि हवा में कोई चीज़ उड़ सकती है। आज देख रहे होंगे आप एरोप्लेन, हवाई जहाज, ये सब हवा में उड़ रहे हैं, इसका कभी हमने इमेजिन नहीं किया था, लेकिन जिन्होंने भी इनका आविष्कार किया उनका दिमाग किस हद तक के शक्तिशाली रहा होगा। दोस्तों, हमारा दिमाग वो सब चीज़ कर सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। ऐसी किसी व्यक्ति के दिमाग में बहुत सी चीज़ें जब आ जाती हैं तो ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक क्रिएट होने लगते हैं, और कंट्रोवर्शियल टॉपिक का कोई अंत नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ अंत करना चाहेंगे हम इस वीडियो का, और कमेंट्स के जरिए आपसे जानना चाहेंगे क्या ये सही है। तो दोस्तों, ये जो कंटेंट हमने अभी बनाया है, यदि आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेस्क्यू में, किसी नेक्स्ट जीव की जान बचाते हुए।